पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने महू घटनाक्रम पर कहा कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। एक आदिवासी बच्ची का सामूहिक बलात्कार किया गया, उसकी हत्या की गई, उसी कारण आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान पुलिस ने फायरिंग की, एक लड़की की मौत हो गई। पूछना चाहूंगा मुख्यमंत्री से, क्या पुलिस को फायरिंग करने के आदेश दिए गए थे? उन्होंने कहा, आंदोलन होते हैं, सामाजिक संगठन भी करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है जब आदिवासी आंदोलन करते हैं? आदिवासियों के साथ भाजपा सरकार में कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। हम सबके लिए बहुत दुखी बात है, एक बेहद दुखद घटना मऊ इंदौर में हुई है, जहां पर एक बेकसूर आदिवासी युवक की हत्या की गई पुलिस के द्वारा, फायरिंग की गई है उस पर। और सबसे गंभीर मुद्दा तो यह है कि जो ये घटनाक्रम हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि शायद कल ही एक आदिवासी बच्ची का सामूहिक बलात्कार किया गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। उसी कारण पूरे हमारे आदिवासी भाई इंदौर जिले के और आसपास जिले के आंदोलित थे, और उस आंदोलन के दौरान पुलिस ने फायरिंग की और उसमें एक बच्चे की उसमें हत्या हो गई। मैं सीधा पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, क्या उनको आदेश दिए गए थे पुलिस को फायरिंग करने के लिए? धरने तो अनेक होते हैं, धरने राजनीतिक पार्टी भी करती है, सामाजिक संगठन भी करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि जब धरना होता है आदिवासी समुदाय का, तभी पुलिस फायरिंग करती है?